गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नामदेव स्कूल की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम उसके आगे की लेक्चर सीरीज की स्टडी में आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। उसके बाद कुछ आंकिक प्रश्न और इसी के साथ आज की लेक्चर सीरीज हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आज की लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, वो टॉपिक इस चैप्टर के एंड तक मेरे काम आने वाला टॉपिक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस टॉपिक को पूरा ध्यान से समझना। बाकी इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है आप समझने वाली चीज, मतलब आपको डरने वाली चीज कोई ऐसी नहीं है। आपने जो पहले दो लेक्चर पढ़े उसी लेक्चर पे बेस पर यह क्या है, ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। बेटा अभी भी अक्सर छोटे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, सर आपके अक्सर छोटे हैं, मैं दिखाई नहीं देते तो मैं और थोड़ा बड़े करने की ट्राई करूँ। वैसे कर रहा हूँ अभी, बहुत ज्यादा प्रत्येक चीज पे फोकस कर रहा हूँ इस चीज के। हाँ, विद्युत क्षेत्र से क्या निकालना है, विद्युत विभव। वापस जब भी क्षेत्र से विद्युत विभव निकालने की बात आ रही है तो हम वापस वही चीज करेंगे, स्रोत आवेश लेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर विस्थापित करेंगे फिर निकालेंगे। तो वापस आ जाओ वही टॉपिक पे बेटा जो हमने अभी तक पढ़ा है कि एक स्रोत आवेश लिया, ये क्या हमारे पास क्यू, एक स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश के किसी पर्टिकुलर दो बिंदु ले लिए मैंने, कहीं भी ले लो स्पेस में, ये ले लिया पॉइंट ए, सॉरी ये पॉइंट ले लिया मेरे पास ए और इस पॉइंट बी, पॉइंट पॉइंट ए से बी क्यू में किसी चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को एक वक्र पथ के अनुदिश क्या कर रहा हूं लेके आ रहा हूं। देखो सुनना मेरी बात को, पॉइंट ए से बी की ओर जब मैं चार्ज को लेके जा रहा हूं तो किसी विशेष वक्र पथ के अनुदिश क्या कर रहा हूं, चार्ज को लेके जा रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं बेटा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होगा, वो कितना होगा, दोनों बिंदुओं के मध्य के मध्य विद्युत विभवांतर जो होगा वो कितना रहेगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू अंतिम माइनस, सॉरी यहां पर ये जो चार्ज है वो अंतिम प्रारंभिक ये और ये अंतिम, तो क्या होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA इनटू कितना रहेगा क्यू नॉट। ठीक है, यहां पे जब मैं चार्ज को डीएल विस्थापित कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं डीएक्स नहीं ले रहा, डीएल विस्थापित कर रहा हूं। ठीक है, तो बात वही की वही है, चाहे डीएक्स लिख लो, चाहे डीआर लिख लो, चाहे डीएल लिख लो, चाहे डीवाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर मैं एक बार के लिए डीएल मान लू। डीएल क्यों माना, कोई पर्टिकुलर पाथ जो हमने लिया उसको एक बार के लिए डीएल मान के डीएल लिख लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी, वापस वही कंसेप्ट है, वही का वही पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बी ए वो कितनी होगी, बी ए माइनस इज इक्वल टू ये कितना होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी वापस एफ एक्सटर्नल एजेंट कहां से, ए से बी तक हमने जो कार्य किया डॉट डी आर बराबर कितना होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस का एफ इलेक्ट्रिक फोर्स और डॉट कितना होगा बेटा डी आर, और एक फॉर्मूला होता है बेटा क्यू नोट इंटीग्रेशन माइनस बाहर निकलता ए टू बी और कितना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यहाँ पे डी एल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं डीएल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो एक तो एक्सटर्नल एनर्जी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फोर्स के पदों में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में, तो मैं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस टर्म में यूज करूंगा इस डेरिवेशन के लिए। सर डेरिवेशन का नाम है विद्युत क्षेत्र, हमें बल नहीं चाहिए होगा, तो इसका मतलब मैं स्थिति तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, इसका मतलब अब हम ये जो फैक्टर ले रहे हैं वो इस फैक्टर का चुनाव करेंगे क्योंकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज के आधार पर चलेंगे। देखो मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं बेटा बात को, मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट करवाने वाला हूं क्योंकि आपकी बुक में जो दे रखा है लेंथ भी दे रखा है, क्योंकि बुक में पोटेंशियल को पहले लेते सुन रहे, आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आना चाहिए बस, रामायण खत्म।
आया समझ में, आपको समझ में आ रहा डेरिवेशन पूरा सही होगा, कोई गलती नहीं होगी, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैं क्यों ले रहा हूँ उस चीज के बारे में। ये आपको ध्यान रखना नहीं है कि ये ले लिया सर ने कर दिया सोल, ये क्यों लिया आपको ये भी पता होना चाहिए, ताकि कोई बच्चा पूछ ले कि ये क्यों है भाई साहब, फिर तुम्हें कहोगे सर सर ने बताया था ऐसे ही होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज से सख्त नफरत है कि सर ने बताया था ऐसा ही होता है, ये चीज आप खुद अपना कंसेप्ट लगाइए, आपको कोई डाउट है तो पूछिए, एक बार नहीं हजार बार कोशिश करेंगे आपके डाउट का पूरा संतुष्टपूर्ण जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो फैक्टर में रखने वाला हूँ यहाँ पर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस ईए इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट, तो ये फिर क्यू नोट और आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा ए बी और कितना आएगा ई वेक्टर डॉट बी एल वेक्टर, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये कितना देगा वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी कितना आएगा ई वेक्टर डॉट बी एल वेक्टर। और अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं बेटा वो एक इतनी घमासान लाइन है जो कि आपकी छुटकी में समझ में आ जाएगी। क्या लाइन कहती है बेटा, समीकरण समीकरण तीन से साफ स्पष्ट है, समीकरण तीन से साफ स्पष्ट है बेटा। जहां पर भी मैं एक चीज बताऊंगा कि जहां पे एक विशेष पथ के अनुदिश लेके जा रहे हैं, देखो हमने क्या किया, स्टार को ए से बी तक किसी विशेष पथ के अनुदिश लेके गए हैं, तो विशेष पथ के अनुदिश कभी किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं, किसी पार्टिकल को मूव करते हैं चाहे वो चार्ज लेस हो, तो उस टाइम जो फील्ड के साथ रिलेशन होता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे फील्ड कौन सा है बेटा, विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो समीकरण है जो तीन का आर एच एस पद है, क्या कहना चाह रहा हूँ, आर एच एस पद है, समीकरण तीन के आर एच एस पद क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन है। क्या है भाई साहब, रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल। और यहां से मैं चीज बोलने वाला हूं बेटा कि समीकरण तीन से साफ स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर जो होता है, सुनना, समीकरण तीन से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर जो होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन के ऋणात्मक के क्या होता है बेटा, तुल्य होता है। तो मैं कह सकता हूं विभवांतर जो होता है, विभवांतर जो होता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, खत्म, ये आपका टॉपिक है। अब कुछ चीज के बारे में तब डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि ये चीज जीरो कब होगी, ये चीज पोटेंशियल भी धनात्मक ऋणात्मक और क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो विद्युत विभवांतर जो है, विद्युत विभवांतर जो है वो धनात्मक ऋणात्मक शून्य कब होगा वो आपको देखना, धनात्मक ऋणात्मक शून्य डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमने रेखा समाकलन का डीएल विस्थापन लिया उनके मध्य कोण पर। अगर मैं कह दूं, देखो सुनना बेटा, अगर ई वेक्टर एंड डीएल वेक्टर के मध्य मध्य कोण थीटा बराबर कितना है बेटा, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा कि ये जो टर्म्स है ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, समझना बेटा बहुत आसान चीज है, कोई ज्यादा रामायण नहीं है, वो एक पॉजिटिव टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जब माइनस से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आएगा या नहीं आएगा, तो इस स्थिति में क्या आएगा, वीबी माइनस वीए जो आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, बात खत्म। चलो यहां देखो बेटा, अभी जो चीज समझा रहा हूं वो एक फॉर्मेट के आधार पर समझा रहा हूं, वो एक फिजिकल सूत्र के आधार पर समझा रहा हूं, जब कॉमन सेंस लगा के स्थिति को समझेंगे ना तो भी आपको वही निष्कर्ष निकलेगा जो आपका फॉर्मूला देगा, ठीक है। तो उस चीज को पहले फॉर्मूले में समझ लीजिए, उसके बाद कॉमन सेंस लगा के भी समझेंगे तब तो आपको वहां भी समझ में आ जाएगा। मैं इधर थोड़ा फिर से मिटा रहा हूं पूरा, तो मेरे को काम करना, ये चीज मेरे काम की है, इधर मैं आ रहा था, देखा समझ में बड़ा बेटा। अब देखो बेटा, अगर मैं कह दूं कि यहां पर
कि यहां पे मैंने क्या कह दिया बेटा कि ई वेक्टर व डीएल वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 90 डिग्री। अब भाई साहब अगर 90 डिग्री होने को बता देना ये कितना होगा ई वेक्टर और डीएल वेक्टर, 0 होगा ना, थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो इस स्थिति में क्या होगा बी बी माइनस 0 विभवांतर कितना होगा शून्य होगा। थर्ड चीज में देखिए, थर्ड चीज क्या कहती है बेटा, थर्ड चीज हमें ये कहती है कि अगर ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 लेस देन 1 इक्वल 90, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन है ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा कॉस के फैक्टर के कारण, और अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव आने पर हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, वो नेगेटिव अगेन नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या देगा पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म। ये चीज हम यहां लगा के देखते हैं, सुनना मेरी बात को। अब ये तो फैक्टर है हमारे पास धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, वो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं, उस चीज के बारे में भी देख लेते हैं। हमारे पास यहां पर देखो एक बार समझना कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहां पे ले रहा हूं तो ये किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, जो डीएल विस्थापन है वो किस तरफ होता है स्पर्श रेखा की दिशा में, तो ये तो डीएल विस्थापन ही है। थीटा कितना बेटा बता दो, ग्रेटर देन नहीं है क्या 90 से, 90 से बड़ा नहीं है क्या बेटा, और 90 से बड़ा होने पर अब जो विभवांतर निकालेंगे अंतिम ये रहा और प्रारंभिक ये रहा, तो विभवांतर कितना होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक इज इक्वल टू कितना देगा तो होगा नहीं, देख लो बेटा सुनो मेरी बात को। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मान के चलो, देखो मैं एक स्पर्श रेखा खींच के ड्रॉ करता हूं, ये इधर जा रही त्रिज्यीय दिशा में लंबवत बाहर की ओर, मैंने आपको लेस देन फर्स्ट में बढ़ा दी। अब ये बाहर की ओर जा रही है, हमारा तो विस्थापन है वो इस तरफ है मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में, तो एंगल कितना बन रहा है 90 से बड़ा बन रहा है, 90 से बड़ा बनने की स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है धनात्मक। और अब एक बात सुनना बेटा, इस डायग्राम को मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इधर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो बेटा, चार्ज पॉइंट को ए से बी की ओर अब ऐसे लेके जा रहा हूं, तो आप मेरी बात सुनो, यहां पे डीएल विस्थापन ही रहा, यहां पर बात कर लेता हूं मैं डीएल विस्थापन, यहां से डीएल विस्थापन मैंने इधर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर देखा जाए वो इस तरफ, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और डीएल विस्थापन जो मैंने किया वो इस तरफ है, थीटा कितना है बेटा, थीटा इज लेस देन 90, थीटा जब लेस देन 90 होता है बेटा तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऋणात्मक होगा नहीं होगा, तो इन दिस सिचुएशन अंतिम माइनस प्रारंभिक जो होगा वो क्या होगा ऋणात्मक होगा, बस बेटा यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर, इस पोटेंशियल में कुछ भी नहीं है, बस आपको डराने वाली चीज होती है, डेफिनेशन रट लोगे समझ लोगे चाहे तुम याद कर लोगे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिजिकल मीन भी समझना है क्यों माइनस का हुआ क्यों धनात्मक हुआ, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा जुड़ेगी। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हाई लेवल की एजुकेशन आएगी ना वहां दौरान पोटेंशियल में माइनस प्लस आने का समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके तो मन में एक ख्याल उठेगा यार ये माइनस क्यों आया, तो कहो छोटे छोटे डटले एक बार तो वो उस दिन ये नहीं होना चाहिए, या फिर आप पढ़ लिए चैप्टर रिविजन कर रहे हो फिर आपको समझ में आया सर ये पोटेंशियल माइनस क्यों हुआ, छोटे डटले एक बार के निकाल पेपर तो बेटा कल के पेपर छुटकारा पा लोगे, पर जिंदगी इंपोर्टेंस से छुटकारा नहीं पा सकता, अगर साइंस दिए होंगे लेकर लेकर पढ़ोगे तो आगे तो जीरो भी उस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है हमारा ये टॉपिक हो गया, इसके अलावा देखो बेटा एक चीज बता देता हूं आपको कि आपने मैंने एक टॉपिक बताया नहीं था पहले कि सर आप एक बात बताओ अनंत पर विद्युत विभव जीरो क्यों होता है, तो बेटा एक बात सुनो बिंदु विद्युत कितना होता है बी बराबर क्यू क्यू बाई कितना होता है आर, अनंत मतलब कितना हो गया आर बराबर इनफाइनेट, आर बराबर इनफिनिट का मतलब कितना होगा के क्यू बटे में कितना होगा अनंत, और वन ओवर अनंत कितना होता है जीरो, तो बेटा इसका कारण यह है कि अनंत पर वोल्टेज कितना होता है जीरो होता है। ठीक है ऐसे कुछ मतलब कोई कहीं उठ के नहीं आया समझ में कि ये सीधा आगे फिजिक्स में आपको जो भी रीजन है उसका परफेक्ट रीजन मिलेगा। ठीक है अब चलते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में, देखो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी कुछ डाउट कुछ ऐसी समस्या आएगी कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो
तो आप उसको वापस अपनी बेसिक फिजिक्स लगाकर समझ, ठीक है। चलते हैं आगे, चलो देखते हैं। हाँ भाई, उदाहरण ही देखते हैं पहले। उदाहरण नंबर 3.1 ये कह रहा है, देखो उदाहरण नंबर 3.1 मैं फटाफट करने वाला हूं बेटा, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। ये कह रहा है एक स्थान पर विद्युत विभव जो है वो कितना दे रखा है, 15 वोल्ट दे रखा है एक स्थान पर। तो ये कितना दे रखा है, माइनस का 15 वोल्ट दे रखा है। उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विद्युत विभव है, दूसरे किसी दूसरे स्थान पर, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बी, इस स्थान पर विद्युत विभव दे रखा है, वो दे रखा है वी वोल्ट, ठीक है। जब इस आवेश को, देखो बेटा सुनना मेरी बात, जब छह कूलम आवेश को, नोट बराबर, छह कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ले जाया जाता है, बिंदु ए से यहां पर वी है, यहां पर वी बी है, बिंदु ए की पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो हमें 150 जूल कार्य करना पड़ता है। डब्ल्यू बराबर एक्सटर्नल एजेंट, कहां से ए से बी तक कितना करना है, 150 जूल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वी का मान निकालना है, टू फाइंड आउट में क्या हमारे पास, हमें निकालना है वी का वैल्यू। तो बता दो बेटा कैसे होगा, विद्युत विभवांतर जो होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, बटे में कितना होता है, विद्युत विभवांतर अंतिम माइनस प्रारंभिक इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, कहां से ए से बी तक, अपॉन में कितना होगा क्यू नोट, वी बी कितना है वी, माइनस ये कितना होगा माइनस का 15 वोल्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कितना है 150, और ये कितना है क्यू नोट 6, कार दो बेटा इसको 3 के पार्ट से कटा तो 2 आ जाएगा, और ये कितना कर देगा बेटा 5 पीएम 15, और ये तो कितना आएगा 25, बी बराबर कितना देगा प्लस 15 और 25, बी बराबर कितना देगा 25 माइनस 15 बराबर कितना देगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था जो हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कर रहा है बेटा, 20 कूलम आवेश को, आप देखो कंसेप्ट जो है ना वो आपको समझना है, इतना नहीं है इस न्यूमेरिकल को कि सर इसमें ये जो है वो पहले लिखेंगे ये माइनस बाद में लिखेंगे, उस चीज को रटना नहीं है आपको, उस चीज को समझना है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पक्की बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो देखो दूसरे स्थान पे क्या कह रहा है, 10 कूलम आवेश, तो गिवन में क्या दे रखा है, वी बराबर क्यू बराबर 10 कूलम चार्ज को कहां से कहां तक ले जाना बेटा, ए से बी तक ले जाने के लिए, दो ए से बी तक ले जाने के लिए 2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर दे रखा है कहां से एक्सटर्नल एजेंट, ए से कितने तक ले जाना है बी तक, वो कितने दे रखा है 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उन दोनों के मध्य विद्युत विभवांतर कितना होगा, कितना होता बेटा अंतिम माइनस प्रारंभिक इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ए से बी तक लेके गए, अपॉन में कितना होगा क्यू नोट, ये कितना होगा 2 अपॉन में 20, कार्य कितना होगा 1 अपॉन में 10 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन तो बेटा इसी से मतलब रिलेटेड है, वो भी कर लेते हैं आसान क्वेश्चन है। ये कहता है बेटा धनात्मक आवेश दे रखा है, इसका चार्ज दे रखा है, तो Q प्लस दे रखा है कितना 1.1 × 10⁻¹⁹ कूलम, और R दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर ले लीजिए, 0.1 मीटर। यहां पे देखा जाए V बराबर हमें कितना कर निकालना है, तो कितना था बेटा KQ/R, तो K का मान देता है 9×10⁹, Q का मान देता है 1.1 × 10⁻¹⁹, अपॉन में कितना देगा 0.1, उड़ाया 0, यहाँ पे कितना आ गया 10, तो कितना देगा 9×10⁻¹⁹ यहाँ पे 9 ही है, ये 9 माफ करना जरा, ठीक है पॉइंट, और ये उड़ जाएगा तो बेटा ऊपर आएगा 11, इससे कट जाएगा तो कितना देगा, सॉरी ऊपर जाएगा तो कितना देगा 10 हो जाएगा, तो बेटा कितना देगा 99×10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 99 वोल्ट इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.4 और 3.5
ये हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें बताइए, ठीक है। और कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो किसी से, मतलब लेसन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, तो टू से रिलेटेड है, आप बता दीजिए सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो कुछ ना कुछ इलाज करेंगे आपके लिए। उसका सोल्यूशन आपको लिख करके पीडीएफ बनाकर सेंड करें, या आपको समझाने के लिए कुछ और तरीका करना पड़े वो बता देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।